सो हेलो गाइज, मैं हूँ राहुल और आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे मैजिक ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा और खुद बोलेगा यार ये कैसे पॉसिबल है। तो आप अपना दिमाग लगाओ इस वीडियो में, सारी मैजिक ट्रिक्स देखो और कैसे पॉसिबल हो रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगले इस वीडियो में जो भी ऐसा वीडियो आएगा उसमें मैं हाईलाइट करूँगा आपकी कमेंट कि यार इनने तो ज़्यादा दिमाग लगाया और बताया कि कैसे पॉसिबल हो पाया है। तो फर्स्ट मैजिक ट्रिक है, या दादाजी हम कुछ मैजिक भी दिखाने वाले, बहुत ही हंस रहे हैं। क्यूब रख दिए सामने, टिश्यू पेपर है, क्या क्यूब गायब होने वाला है क्या? ओ डिसअपीयर, कैसे पॉसिबल हुआ? मतलब बहुत ही स्मूथ किया है। जो भी ट्रिक है मैंने कुछ मैजिक्स देखे हैं उसमें ऐसा ही होता है। क्यूब रखा हुआ है और उसके ऊपर टिश्यू पेपर, जैसे उनने रखा टिशू पेपर ने क्यूब का शेप ले लिया और टिशू पेपर को जैसे ही उनने खींचा तो जो क्यूब हो सकता है कि टेबल पे से फिसल के इधर नीचे गिर गया होगा। और फिर वो वीडियो में इतना स्मूथली दिखाया गया है कि किसी को समझ ही नहीं आ रही कि कैसे पॉसिबल है। यार बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। आप अपना दिमाग लगा लो कैसे पॉसिबल हुआ। आपको पता है ये एक ट्रिक है, फेक क्यूब था, फेक बॉक्स था, उसमें जैसे ही उन्हें डाला निकाला सॉल्व हो गया। देख लेना आप ये जो ट्रिक है, ये देखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यूब था, चॉकलेट, कहीं ना कहीं ये जो ट्रिक है मैंने कोई एक वीडियो में देखा था, वैसे ही कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप जैसे देख रहे होंगे पहले ही जैसा इंट्रो किया है इनने अपनी मैजिक दिखाने का, तो जैसे ही क्यूब को छोड़ रहे हैं टॉप लेयर यहाँ से मिसिंग है। तो जैसे पिछला जो वीडियो था बॉक्स वाला, उसमें वो पार्ट था, एक क्यूब था और उसके ऊपर एक बॉक्स लगा हुआ था, सेम यहाँ पे भी चीज़ है और ये पॉसिबल है एक ब्लैक सरफेस पे। तो वो जो क्यूब है वो एक पेपर का है और उसको कट कर दिया है और उसमें कैंडीज़ और चॉकलेट भर दिए हैं और कुछ इस तरीके से उसको छोड़ दिए, तो ये ऐसा पॉसिबल हो गई। Oh, it's impossible! Chill out, bro. It's not even that hard. Watch this. Boom! What the? How? Dude, that's cool, but how about this? Done. What? Oh! I'm going to say, you're not just showing off now. Jube, look, one more thing. Watch. Done. Oh, sweetie! Wait. Jube. One more thing. I'm going to make these sweets disappear. पहली वाली ट्रिक तो इजी है, वो एकदम हाथ की सफाई हो गई। सेकंड वाली ट्रिक भी बहुत ही इजी थी। थर्ड मुझे समझ नहीं आया यार कि कैसे पॉसिबल हो पाई है, आप ही बता दो कमेंट बॉक्स में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि या तो फिर क्यूब के नीचे कैंडीज रखी हुई होगी, पर क्यूब भी उसमें मूवेबल था, तो आप बताना यार, मुझे समझ नहीं आया। क्यूब रखा हुआ है सॉल्व, ये ट्रिक मुझे आती है, आपने कुछ वीडियो में देखा होगा। बॉक्स में एक क्यूब गया, दूसरा क्यूब अनसॉल्व्ड है, सॉल्व, दूसरा भी सॉल्व। तो ये बहुत ही इजी है, पहला जो क्यूब था बैग के अंदर डालते हुए सॉल्व हो गया, ठीक है। और सेकंड जो क्यूब था वो उसको सिर्फ ऐसे छोड़ दिए तो वो अनसॉल्व था, जैसे ही दिखाए ऊपर का क्यूब दिखा कि वो स्क्रैम्बल है, पीछे का सॉल्व था। और फिर उसके बाद में बैग को ऐसे रखने के बाद में जैसे ही पहला क्यूब निकला जो अनसॉल्व था उसको निकालते हुए सॉल्व कर लिए, और दूसरा तो सॉल्व ही था। ये भी मैं करता हूँ, आपको पता है वीडियो में सिखा चुका था। थ्री साइड सॉल्व, थ्री साइड अनसॉल्व, इसमें कुछ ना कुछ क्यूब के कलर्स में फेर बदली है, स्टिकर्स को निकाल दिए हैं इधर या इधर, कुछ भी हो सकता है। लास्ट ट्रिक है, इसमें क्यूब रखा हुआ है और पूरा सॉल्व हो गया। यार ये मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया, बाकी सब ट्रिक तो समझ में आती हैं पर क्यूब बिल्कुल भी, बहुत ही ज़्यादा स्क्रैम्बल लग रहा था और जस्ट ऐसा एक हैंड के पीछे रखा हुआ था और बस कुछ ही देर में सॉल्व हो गया यार, मतलब कुछ ही सेकंड्स लगे। पर ये कैसे पॉसिबल हुआ आप बताना कमेंट बॉक्स में, मैं सबका कमेंट चेक करूँगा।
तो इसमें एक राइट साइड में स्टिकर नहीं है और फिर उसके बाद में देखते हैं क्या मैजिक करते हैं ये। ओ वाओ, मेरे को समझ नहीं आया। यार मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि यार कैसे ये मैजिक पॉसिबल हो पाया है, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं सोचूंगा और आप भी सोच के बताओ इस में, कमेंट करो कि यार कैसे पॉसिबल हुआ। नेक्स्ट वीडियो में यदि मुझे जिसका भी कमेंट पसंद आया मैं आपको वहाँ पे मेंशन करके वीडियो बना लूँगा। और यार आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ऐसी मोर इंटरेस्टिंग मोज़ेक आर्ट देखने के लिए। और कैरी भाई ने तो कमेंट कर ही दिया है, बहुत मज़ा आया, आपको बहुत बहुत थैंक्स।